गाइस जज्जर वाले बस अड्डे पे ना कोहरा बहुत रखा है, देख सकते हैं आप। हरियाणा में कोहरा देखो गाइस। अपने उधर मेरे हमारे घर हमारे उधर तो नहीं था कोहरा, बट यहाँ पर कोहरा बहुत हो चुका है। तो मैंने तो अभी भी देखा, बस उधर बस अड्डा है उस साइड का। और अभी मुझे अपने घर पे पहुँचना है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ब्लॉग शुरू हो गया और आज मैं अपने घर पे आ गया हूँ हरियाणा वाले पे। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी हो रखी है, खलारा बहुत बड़ा हुआ है। तो जैसे छोड़ा था वैसे तो नहीं मिला, बहुत ही कूड़ कबाड़ हो गया। उस साइड तो मैंने फिर भी झाड़ू लगा दिया। तो देख सकते हैं आप, ये देखो बाहर भी देखो बहुत ही गंदगी हो रखी है। चलो अभी साफ सफाई करता हूँ, फिर अच्छे से आपको दिखा देता हूँ अभी कितनी गंदगी हो रखी है ना मेरे देखने। तो चलो साफ सफाई करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई झाड़ू वगैरह तो लगा दिया है और साफ सफाई होगी, बस अब बिस्तर वगैरह लगाना है ना। तो ये जो इधर सामान सामून पड़ा था ये अलमारियों में लगा दिया, और यहाँ पर देखो झाड़ू वगैरह लगा दिया। और ये जो निशान पड़ा है ये पेंट के पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये नहीं उतरे मुझसे, तो ये लगा दिया मैंने तकर वगैरह। और वहाँ पर भी एक चारपाई लगा दी। तो यहाँ पर जो भी बर्तन धोने वाले वो अभी धो दूँगा सब डब्बे डुब्बे। तो बाहर भी यहाँ पर लगा दिया मैंने सब कुछ, और उधर भी देखो वहाँ पर बर्तन रख दिए धोने के लिए। तो यहाँ पर बिस्तर भी मैंने सुखाने के लिए रख दिया। तो काफ़ी टाइम बाद आया, बट अकेला ही हूँ ना, कोई बात नहीं। तो अपने वहाँ चाय बनाने के लिए दूध और बिस्किट वगैरह भी लेके आया हूँ। तो चलो अभी मैं बर्तन धो लेता हूँ, बर्तन देखो यार कितने गंदे हो रखे हैं। तो चलो धो लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो चलिए गाइस, काम तो सारा हो गया, अब पीता हूँ चाय। तो चाय दूध गर्म करने के लिए रख दिया मैंने, बिस्किट लेके आया था। तो चलो दूध गर्म हो जाएगा, फिर चाय बना लेते हैं, फिर पीता हूँ चाय। और साफ सफाई तो हो गई यार भाई, पूरी कर दी, कम से कम इसमें मुझे लग गए पूरे 2-2.5 घंटे। समझ सकते ना कितनी गंदगी होगी। चलो पूरा काम हो गया, जब से आया तब से यही काम कर रहा था, साफ सफाई साफ सफाई, सारा काम हो गया। अब चाय पीऊँगा सुबह की क्या, घर से पी के आया था बस, वो ही अब पी रहा हूँ। चलो पी लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो चलिए गाइस करते हैं नाश्ता, और नाश्ते में वही चाय और बिस्किट जो अब की अभी बनाया है। तो मस्त धूप में बैठ कर खाता हूँ, और यहाँ से धूप भी पड़ रही है। तो चलो घर बाद में आपको दिखाऊंगा, पहले नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइस काम तो सारा हो गया है, चाय नाश्ता भी हो गया। तो अब दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर अपना घर। तो ये मैंने बेड लगा दिया यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगा दिया, मतलब आज शायद अंकल जी को छुट्टी मिल सकती है, डिस्चार्ज हो सकते हैं ना वहाँ से हॉस्पिटल से, तो शायद आज आ भी सकते हैं। तो चलो ये रहा कुछ हमारा इस तरह का घर, आप देख सकते हैं। तो चलो बहुत ही मेहनत लगी साफ़ सफाई करने में। तो चाय बची थी तो थोड़ा गर्म करने के लिए, फिर पीने के लिए मैं कर रहा था। तो चलो ये कुछ इस तरह का है। अभी पता नहीं इसमें लाइट क्यों नहीं आ रहा, लाइट है थोड़ा ख़राब हो रहा, तो आप आएंगे तो देख लेंगे। तो चलो यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो हमारे जाने के बाद पेंट भी हुआ था इसमें, तो ताज़ा पेंट हुआ, ये देखो नया नया पेंट, गीला भी है ना अभी इसलिए। चलो मैं बाहर भी दिखा देता हूँ बाहर से। तो ये यहाँ का शेड लगा रखा था, ये इस तरह का पूरा शेड है, ठीक, ये शेड लगा दिया, और उसके बाद पेंट भी हो गया यहाँ पर। तो वो बाथरूम है, ठीक, लैट्रिन बाथरूम दोनों। तो भाई ये रहा फ्रंट इसका, तो फ्रंट से कुछ इस तरह का दिखता है। चलो यहाँ से दिखा देता हूँ, तो ये रहा यहाँ से दिखता है कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है अब तो, बहुत ही मतलब सजावट होगी इसकी, तो अच्छा लग रहा है। तो ये रहा टीन शेड, मतलब यहाँ पर भी बैठ सकते हैं गर्मियों में, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है ना, तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। चलो काफ़ी अच्छा है, और उधर भी जो इधर डिज़ाइन है वो ही इधर है इस शेड में। तो चलो काफ़ी अच्छा है, और अभी ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ है इसमें, देख सकते हैं अब। तो ये रहा ये लैट्रिन बाथरूम हमने बनाया था,
तो मतलब जो काम करते रहे वो फिर उस पे काम अच्छे से हो जाता है। तो ये रही हमारी साइकिल। चलो चाय गर्म हो गई, पीते हैं इसको। तो चलिए गाइस, अभी मैं भी सो कर उठा हूँ और देखा कि पापा लोग आ गए। तो पापा आ गए तो अंकल जी भी आ गए होंगे। तो चलो चलते हैं, मिल के आता। मैं तो सो रहा था, पता नहीं अभी उठा हूँ तो देखा कि पापा के कपड़े पड़े। तो चलो देख कर आते हैं कहाँ है। अभी देख रहे हैं, सो के उठा हूँ अभी, क्योंकि थक गया था बस में बहुत। तो मैंने कहा चलो रेस्ट कर लेते हैं, फिर रेस्ट किया। अब जाकर देखा कि पापा आ गए हैं तो देख के आते हैं कहाँ है। चलो चलते हैं। तो आपने काफ़ी समय बाद आपने अंकल जी को मेरे ब्लॉग में फिर से देखने को मिलेगा। चलो चलते हैं, गेट खोलते हैं। शायद ऊपर गए हैं, मिल के आते हैं ऊपर ही। तो गाइस चलते हैं अभी ऊपर छत पर, आपको छत से नज़ारा दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं छत पे जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। मौसम तो बहुत ही ख़राब हो रहा क्योंकि बादल हो रहे हैं, शायद शायद नहीं मतलब मौसम ख़राब है। तो देख सकते हैं आप यहाँ का इलाका। तो काफ़ी समय बाद मैं यहाँ पर छत पे चढ़ा हूँ। तो ये वाला घर था वो देखो अब प्रॉपर बन गया है। तो यहाँ पर अभी मतलब रहने भी लगे हैं आंटी लोग। तो ये रहा मौसम, देखो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बादल हुआ है, रात में बारिश हो सकती है। तो चलो ये रहा गाइस यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप। और ये रही हमारा, ये टीन शेड यहाँ पर डाल दिया था आपको मैंने बताया। ये टीन शेड इसलिए डाल दिया मतलब बारिश में बरसात के समय में काम आता है, और साथ ही साथ जब गर्मी के समय भी काम आता है, मतलब टीन शेड के नीचे बैठ सकते हैं आराम से। तो ये यहाँ पर हमने काम किया था, और पेंट वेंट भी हो गया इसका देखो, है ना। चलो तो आज अंकल लोग भी आ गए तो दिखा देता हूँ मैं अंकल को भी आपको। चलो चलते हैं नीचे। खाना पीना खाते हैं मस्त, और खाने में आपको दिखा देता हूँ आलू की सब्जी चावल साथ में रोटी। आज पापा पिए और पापा भी खाना खा रहे हैं, आंटी अंकल काफ़ी समय बाद अंकल हमारे साथ खाना खा रहे हैं और भैया भी साथ में। तो चलो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस खाना पीना हो गया है, खाना पीना हो गया और सब लोग सो रहे हैं अभी। तो आज के ब्लॉग में गाइस आपने देखने को मिला कि मैं यहाँ पर अभी अपने हरियाणा में आया हूँ, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि अब आज से अंकल जी भी साथ में ही हमारे। तो उनको वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया अभी, तो छुट्टी दे दी है। तो अभी वो यहाँ पर हैं तो अभी ठीक हैं, तो आई होप वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।